को अपने नाइट्स, पाजी मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। मेरे को सब लोग बोलते थे काम नहीं करता। मैंने कहा यार आज काम कर लेता हूँ। और आपको पता है साड़ियों की दुकान में एक फायदा बड़ा है, सेल आपकी होना हो टाइम पास हो जाता है, क्योंकि लड़कियां आती हैं। औरतें खाना भले ही ना खाएं लेकिन शॉपिंग इनको करनी है। लड़कियां तैयार होकर घर से निकलती पार्टी के लिए, रास्ते में मॉल में पहुंच जाती हैं। जो फ्री के टेस्टर नहीं होते परफ्यूम वाले, वो चेक करने के लिए। अच्छा किसी को शक ना हो जाए कि ये मुफ्त का परफ्यूम लगा रही, इस चक्कर में लगा लेते, 3-4 बार लगा लेते हैं। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। 5-6 तरह के परफ्यूम लगाए, बाद में पार्टी में जाती है ना, अजीब सी मिक्स वेजिटेबल की स्मेल आती है इनमें से, तो लोग पूछ भी लेते हैं कहां से लिया ये परफ्यूम, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, या आई गॉट इट फ्रॉम डेनमार्क। अच्छा कुछ लड़कियां शॉपिंग करती ना अपनी फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, ऐसी ड्रेस ले ली कोई, तो सहेली पूछती है वाओ इट्स सो नाइस, कहां से ली तुमने, यू वोंट बिलीव, हां यू नो दिस इज ओनली फॉर 6,000। अच्छा ली 150 रुपए की होती है। अरे सामने वाली लड़की ड्रामा करती है, रियली 6,000 इज टू चीप, मुझे भी एक लेनी। अब बता तो सकती नहीं है, ये स्टेशन के बगल वाली मार्केट से ली है। बोलती एक्चुअली यू नो व्हेन आई वेंट देयर दिस वाज द लास्ट पीस, सो आपको मिलेगी नहीं है। और कई बार तो इनको सिर्फ अपनी बगल वाली पड़ोसन को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी शॉपिंग करती हूँ, जानबूझ के जाना पड़ता है। घर से लिफाफे छुपा के ना साड़ी में निकल जाती हैं, वापस आएंगे उन्हें लिफाफों में फूंक भर के ना, आज तो बहुत ज्यादा ना क्रेजी हो गया आज तो, यू नो दो लिफाफे फूंक भर के लगेगा, यू नो आज तो मेरी शॉपिंग करते करते हवा निकल गई, पड़ोसन बोल रही हाँ लिफाफे के भी निकल के चेक कर ले। अरे कुछ लेडीज की पैसे कम कराने की आदत होती है, अगर 2,000 की चीज ली उसमें से भी 100 रुपए कम कराना है, 1,000 की ली उसमें से भी, कभी कभी 50 रुपए की चीज लेती हूँ उसमें भी से भी 100 रुपए कम करवा लेती हैं। और कभी कभी पैसे कम नहीं करवा पाती तो फिर ये दूसरे तरीके ढूंढते हैं, भैया क्या है आप बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हो, जो मैंने साड़ी ली कम से कम ये उसके बगल वाली ये तो मुफ्त में दे दो साथ में। दुकानदार बोलता है बहन जी वो साड़ी नहीं है, मेरी दुकान का पर्दा छोड़ो इसे। दुकानदार ने पैसे कम नहीं किए, भड़क जाती, चल नीतू इसको कुछ बेचना नहीं है, सुबह सुबह पी के बैठा हुआ है इसको। कुछ लड़कियां दुकान में घुस के चारों तरफ ढूंढती हैं, पहले तो जैसे उनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ढूंढ ढूंढ के देखती हैं, फिर वो चीज की डिमांड करती हैं जो है ही नहीं वहां पे। भाई आपके पास वो फ्लोरोसेंट ब्लैक होगा वो जो, अच्छा इनको कलर्स की बड़ी नॉलेज होती है, हमें एक ही पता होता है ब्लैक रेड व्हाइट या एक कलर का एक ही, इनको ब्लैक के भी 8 आते हैं रेड के भी 12 आते हैं। भैया ब्लैक में कुछ दिखाएंगे, ब्लैक में दिखाता है ये लीजिए ब्लैक में, ये वाला ब्लैक नहीं, इट्स जेट ब्लैक, यू नो आई वांट दैट क्रो टाइप ब्लैक, यू नो क्रो ब्लैक, दैट वन ब्लैक, ब्लैक दिखाता है, नहीं नहीं नॉट दैट बेबी ब्लैक, यू हैव बेबी ब्लैक। अजी इनको कलर की बड़ी नॉलेज होती है, सच्चाई ये होती है इनको खरीदना कुछ नहीं होता, बाजू वाले थिएटर में फिल्म देखने आती है, फिल्म 1.5 घंटे बाद स्टार्ट होनी है तो ये टाइम पास कर रही होती है और कुछ नहीं। ये औरतों को दुकानदारों की मेंटेलिटी बड़ा पता होती है, अगर किसी ने 900 रुपए की चीज बोली ना तो बगल वाली सहेली को बोलती है 700 बोल के निकल जाते, पीछे मत देखना। भैया 700 में दोगे, दुकानदार बोलता नहीं ओके। फिर दुकान के गेट तक पहुंच गई, आवाज आई नहीं आई नहीं आई नहीं, मुड़ गई, फिर मुड़ गई, भैया अभी भी देख लो 750 में देना है, तो बोलता नहीं नहीं 750 में कहा देंगे, 800 रुपए में तो घर पड़ता है, घर पड़ता है 800 रुपए में, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मतलब अच्छा कई आंटियां सब्जी वालों से बड़ा बहस करती हैं, भैया ये 20 रुपए किलो है ये कद्दू, सड़े हुए कद्दू तुम्हें तो फेंक देना चाहिए इनको। और सब्जी वाले भी कई मुंह फट होते हैं, कहते बहन जी ये कौन है, मेरे पति है, ये तो कद्दू से भी सड़े हुए, इनको क्यों नहीं फेंक देती आप। अच्छा आप देखो हर शहर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जो थोड़े हाईफाई लोग होते हैं उनकी औरतें अलग तरीके से शॉपिंग करने जाती है, बड़ा वाला पर्स होता है यूं करके, एटीट्यूड ही अलग होता है उनका, बड़े वाले पर्स में छोटा वाला पर्स और होता है, और छोटे वाले पर्स में प्लास्टिक मनी, इधर कैश और इधर ज्वेलरी वगैरह, हमारी बेचारी गांव देहात की औरतें वो पर्स वैसे रखती नहीं है, कहाँ रखें जगह ही नहीं है, एक बच्चा इधर उठाया हुआ है, दूसरा इधर चपटा हुआ मम्मी के साथ, तीसरे को उंगली लगाई हुई है, पर्स रखने की जगह ही नहीं है बेचारी, इतनी सी छोटी सी गुतली गंदी सी, चल बेटा चल तेरे पापा आने का टाइम हो गया। मैंने अपनी दुकान खोल ली, मेरा बिजनेस चलना चाहिए बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं ना साहब जी, राजू तू कहां मरा रहता यार, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं मेरी दुकान पे, आपकी दुकान सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि ससुर जी ने दुकान खोल कर दी है। तो तुझे क्यों जलन हो रही है सास जैसे मुंह वाले। जलन नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि जो बंदा खाना खाने के लिए पूरा मुंह नहीं खोल सकता उसने दुकान कैसे खोल कर दे दी आपको।
तो मेरी तरक्की से जल मत, अब चुपचाप मेरी हेल्प कर, देख मैं धंधा कैसे जमाता हूँ। ये देखो, जिस बंदे ने कभी दही नहीं जमाया वो धंधा जमाएगा। ए, दिमाग खाने आ गया बाजी। एक तो मेरे को उद्घाटन के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहे हैं उल्टा मेरे से पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो उद्घाटन के लिए जिसको बुलाओगे पैसे तो देने पड़ेंगे। इसको बड़ी नॉलेज है उद्घाटनों की। जहाँ पे उद्घाटन होता है ना, साड़ी पहन के चला जाता है, वहां नाच के पैसे ले आता है। काम धंधे की नॉलेज है तेरे को कोई? बड़ी नॉलेज है आपको तो वो भी नहीं है। जो भी काम किया है फ्लॉप किया है आपने। भाई एक बार इन्होंने आइसक्रीम का काम खोल लिया, पैसे बचाने के चक्कर में रात को मेन स्विच ऑफ कर दिया। जिस आइसक्रीम का रात को एटीट्यूड ऐसे था, सुबह को बेचारी डाउन टू अर्थ होकर ऐसे सिर्फ ना ऐसे पड़ी थी। और ये भी उसके साथ डाउन टू अर्थ हो गए। कोई बात नहीं, मिल्कशेक बनाकर बेच लेंगे, ये कौन सी गंदी हो गई है। तेरे को बड़ी नॉलेज है काम धंधे की? बिल्कुल। इसको मैंने पंक्चर का धंधा खोल के दिया। इतना बेवकूफ, इसने कहीं से सुन रखा था पानी में पंक्चर चेक करते हैं। साइकिल बाहर खड़ा कर दिया, खुद पानी वाले टब में बैठ गया। बाद में बोल रहे बुलबुले तो निकल रहे, पंक्चर कहाँ है? जा अपना काम कर जाके। बस ऐसे बेइज्जती करना मेरी। इतनी अच्छी दुकान सेट की है, कभी मेरी तारीफ मत करना, कभी शाबाशी मत देना आप। क्या दुकान सेट की तूने? मेरी साड़ी सेंटर साड़ियों के लाना था तेरे पे। ये क्या, साड़ी का थूक बिक रहा था? इसको पक्का यकीन है जो कस्टमर आएंगे इसके मुंह पे थूक के जाएंगे। नहीं नहीं मालिक, आप हर चीज पे पहला हक तो आपका ही बनता है ना। तो साड़ी की दुकान खोल ली है, ये तो अच्छी बात है बेटा। इसी बात पे लड्डू खिला दे। दुकान साड़ियों की खोली, लड्डू की नहीं खोली। काम कर दे बेटा, एक साड़ी उठा के यूं फेंक के मुझ पे मार, मुंह में दबा के भाग जाऊंगी। ये पता नहीं हमारे पड़ोसियों का दिमाग खराब है। साड़ी की दुकान खोली और क्या, दुकान की साड़ी खोले? एक आपकी हरकतों की वजह से ना यहाँ पे ठेले लगाने बंद कर दिए सब्जी वालों ने। उनकी पालक गोभी मुंह में डाल के निकल जाती है। तो साहब जी, इसकी वजह से तो भैंसे मोहल्ला छोड़कर चली गई हैं। वो कहती है पालक मूली खाकर गोबर ये करती है बदनाम, हम हो जाते हैं। बड़ा ये लड़का जब भी बात करता है मुंह से गोबर ही निकलता है। अब जा जाके मेरे घर पानी लेके आ जा। अरे जा। बड़ा सुन, बड़ा सुन, सुन। क्या? ये साड़ी निकाल दो, ये निकाल दो और ये वाली निकाल दो। आपको तीनों लेनी है? मैंने इन तीनों को निकाल दो, पुरानी लग रही है। आंटी, जिसने पहिए का आविष्कार किया था वो भी आपको पांव छू के आंटी बोलता है। आप इतनी पुरानी, आपको ये साड़ियां पुरानी लग रही है। अरे बेटा ये बताओ, ये जो मोहतरमा साड़ी पहनी है ये कहाँ की है? ये जापानी साड़ी है। लग तो बनारस की रही है। लग तो आप भी युगांडा की रही है, लेकिन इधर रहती है ना आप। जरा फालतू बातें करने में नंबर वन है लड़का। अब चलो ये भी बता दो कि ये साड़ी है कितने की? 10,000 की। अरे ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो, रिश्तेदारों के लिए कुछ कम करो। जब रिश्तेदार आएंगे उनको कर दूंगा। तू कहू कौन है तू? बेटा अपना ही समझो, कुछ कम करो। साड़ी आधी करके दे दू? बेटा साड़ी को कम मत करो, पैसों को कम करो। आधी साड़ी में तुम्हारी बीवी फिट आ जाएगी, मुझे तो पूरी भी दो बार लगती है। अरे बेटा पूरी से याद आया, पूरी छोले खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पूरी छोले खाएंगी? मुंह भटूरे जैसा पूरी छोले खाएंगी? पानी डालने में इतना टाइम लगता है? हाँ, पास वाला गटर लीक नहीं कर रहा था इसलिए दूर जाना पड़ा। तू फालतू में इतनी दूर क्यों गया? इधर इनका पर्सनल गटर कई सालों से लीक कर रहा है, इधर ही ले लेते। अब कोई नहीं। बेटा ये तो मेरी साड़ी है। देखो भगवान की कितनी कृपा, आज ही हमने अपना ब्रांड शुरू किया। मेरी साड़ी जगह जगह में शुरू हो गया। मेरी साड़ी, मेरी साड़ी। अरे नहीं बेटा, मेरी मतलब मेरी मेरी पहनने वाली साड़ी है ये। झूठ बोल रही है, तेरी साड़ी तो तूने पहन ली है। और कहीं से यार, क्या यार, सुबह से एक भी बोरी नहीं, ऊपर से साड़ी उठा के ले गई। मैं थक गया हूँ यार, तू दुकान संभाल यार, मैं थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। साहब जी मेरी बात तो सुनो।
राजू तू थक गया होगा तो अंदर जा, मैं साड़ी बेचता हूँ। नहीं नहीं मैं इतना फ्रेश हूँ। Excuse me? फ्रेश कहाँ से? पुराने टूथब्रश जैसा तेरा मुंह है, तू कहाँ से फ्रेश हो गया?